हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th साइंस कंपार्टमेंट प्रिपरेशन। आप मेरे साथ करिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पिक्चर शो द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल ऑफ द डिफरेंट एटम विच टू एटम्स हैव द सेम वैलेंसी। देखो यहाँ पे एटम 1, 2, 3, 4, तो आपको एटम जो 2 है उसमें आपको दिख रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन है, एटम 3 में 2 इलेक्ट्रॉन है, एटम 4 में कितने हैं, एक सेल है, फिर दूसरी सेल है, और एटम 1 में कितनी सेल है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ कि किसकी वैलेंसी सेम है। तो हम इसे कैसे देखते हैं, हम इसे सेल के अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना। तो देखो हमने जो क्वेश्चन देखा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल और द एनर्जी लेवल ऑफ द एटम एज बोथ ऑफ द एटम एटम 1 एंड एटम 2 हैव ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयर वैलेंसी विल बी सेम। तो जो एटम 1 है और एटम 2 है उन दोनों के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। देखो गौर से अगर हम देखें तो यहाँ पे एटम क्या है, एटम 1 है, और यहाँ एटम 2 में कितने एटम है, लास्ट में कितना है, 1 है, और एटम 1 में लास्ट सेल में कितना है, 1 है। आप ये मत देखो कि ये बड़ा है छोटा है, आपको ये देखना है इसकी, जैसे इसके बाद ये पहली सेल है, इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे को दिखाई दे रहा है कि इसकी लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी लास्ट सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो एटम 1 और एटम 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ दीज इज द कॉमन फॉर ऑल केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में कौन सी चीज कॉमन होती है हर प्रकार के केमिकल चेंज में, तो ऑप्शन है चेंज इन शेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इंक्रीज इन वॉल्यूम और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस जो है वही क्या होती है, एक कॉमन चीज होती है। ठीक है, तो केमिकल चेंज में क्या होता है कॉमन, तो केमिकल रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तब क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे। तो पूछ लेते हैं आपसे कि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी न्यू सब्सटेंस बनते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई एटोमिक। तो ट्राई एटोमिक का कौन सा मॉलिक्यूल है, यानी कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम है, H2 2 है, कार्बन का 1 है, CrO इसमें एक कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का है, H2O इसमें 2 कार्बन के हैं और एक ऑक्सीजन का है, तो ट्राई एटोमिक कौन सा है, H2O। ठीक है, अगर डाई एटोमिक पूछते तो कौन सा होता, H2O हो सकता था, CO भी हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे H2O जो है वो क्या होगा, ट्राई एटोमिक होगा। तो ट्राई एटोमिक का ऑप्शन क्या है, H2O हैज 2 एटम। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो ये क्या है, ट्राई एटोमिक है। क्लियर है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स आर आइसो बार्स। तो आइसो बार्स इनमें से कौन से आइसो बार्स हैं, ऑप्शन दे रखा है, कार्बन के 6 12, कार्बन के 6 14, यहाँ पे आर्गन के 18 40, कैल्शियम के 20 40, कार्बन के 6 14, आर्गन के 18 40, लिथियम के 3 6 और कार्बन के 6 12। और बोला है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आइसोबार्स का। तो पहले तो आपका आइसोबार्स पता होना चाहिए क्या है, होता है आइसोबार्स। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोबार्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। तो आइसोबार्स जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं मगर सेम एटॉमिक मास होते हैं। तो एज आर्गन और कैल्शियम हैव सेम एटॉमिक मास नंबर 40 बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर 18 एंड 20, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब देखो समझ लो, जो नीचे होते हैं ना बेटा ये होते हैं नंबर, और ऊपर जो होते हैं वो होते हैं एटॉमिक मास। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, तो नीचे क्या होते हैं, नीचे होते हैं नंबर, एटॉमिक नंबर, जैसे 6 6 एटॉमिक नंबर, 18 20 एटॉमिक नंबर, 6 18 एटॉमिक नंबर, पर जो पावर में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं मास। तो ऑप्शन बी की, मैंने देखो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है और एटॉमिक मास क्या है, सेम है। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, वो आइसोबार्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो चेंज हो सकते हैं मगर एटॉमिक मास क्या होते हैं, सेम होते हैं।
क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट दैट इज केमिकली इनएक्टिव। आप बताओ वैलेंसी उन एलिमेंटों की जो केमिकली इनएक्टिव हो, यानी वो केमिकली उनकी कोई भी रिएक्शन ना कर सके। तो क्वेश्चन फिफ्थ है, आंसर है इसका ए, एलिमेंट विद वैलेंसी जीरो, जिस एलिमेंट की वैलेंसी जीरो होगी आर केमिकली इनएक्टिव होंगे एज दे हैव कंप्लीट फिल्ड ऑक्टेट, ठीक है, ड्यूप्लेट स्टेट। तो ठीक है, अब देखो किन की वैलेंसी जीरो होती है, उन्हीं की वैलेंसी जीरो हो सकती है जिनका एटॉमिक नंबर 2 हो, एटॉमिक नंबर 10 हो, एटॉमिक नंबर 18 हो, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन फिफ्थ के हिसाब से ठीक है जीरो वैलेंसी यहाँ पे आ गई, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर है? तो मैंने बता दिया जीरो वैलेंसी कब होगी, जब उनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, या तो 2 होगा या 10 होगा या 18 होगा, यानी जिनके फर्स्ट सेल में 2 आएंगे, सेकंड सेल में 8 आएंगे और थर्ड सेल में भी 8 आएंगे, क्योंकि हमने पढ़ी है ना सेल के एल एम एन, तो के में क्या होते हैं 2, एल में 8, एम में 8, तो इस तरीके से आपको पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट। तो यहाँ पे बोला है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी किस में ज्यादा फोर्स होगा, किस में कम फोर्स होगा, इस ऑप्शन को देख के बताना है। पहला ऑप्शन है वाटर एयर विंड, दूसरा एयर शुगर ऑयल, तीसरा है ऑक्सीजन वाटर शुगर, फोर्थ है सॉल्ट शुगर और एयर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, क्योंकि सबसे जो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो गैस में होगा। सबसे कम किस में होता है, गैस में, क्योंकि गैस इजीली क्या हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है। तो सबसे कम किस में होगा, गैस में, गैस इजीली क्या हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है, उसके बाद लिक्विड और सबसे मुश्किल होता है सॉलिड। तो जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो फर्स्ट में गैस, सेकंड में लिक्विड और थर्ड में सॉलिड। अगर इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते तो सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड और बाद में गैस, यानी लिक्विड तो बीच में ही आएगा, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो। क्वेश्चन आता है पेपर में कि आपको बताना है, और कई तरीके से आता है, जैसे गैस लिक्विड सॉलिड आ रहा है पेपर बुक में, ऐसे भी आ सकता है आपके से पास लेमन जूस, एयर और गोल्ड। तो आपको समझ आ जाएगा कि एयर तो गैस है, लेमन जूस लिक्विड है और गोल्ड क्या है, सॉलिड। आप उस तरीके से भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। हमें 25 डिग्री को, 38 डिग्री को, 66 डिग्री, सबको किस में कन्वर्ट कर देना है, केल्विन स्केल में, बताना करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो आपको पता ही है जब हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करते हैं तो हमारे को क्या करना होता है, हमारे को 273 को ऐड करना होता है। क्या करना होता है, जब भी हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम 273 को ऐड कर देते हैं, याद रखना। और जब हमारे को केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना होता है तो 273 को माइनस करते हैं, बस याद रखना है आपको। तो अभी हमें क्या करना है, केल्विन में जाना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 298, 38 डिग्री में 273 को करेंगे 311 केल्विन, और 66 में 273 को करेंगे तो 339 केल्विन। ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, याद रखना। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 को ऐड करेंगे, ठीक है बेटा। और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, व्हाई डू सेल ऑफ एपिकल मेरिस्टमेटिक लैक वैक्यूल्स, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसमें वैक्यूल जो है नहीं होता, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है, दे स्टोर फूड मटेरियल, दे हैव थिन सेल वॉल, दे कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म और दे आर एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होती है उसमें वैक्यूल्स कम क्यों होता है, यानी लैक क्यों होता है, इसका एक्चुअल में आंसर क्या है, एपिकल मेरिस्टेम सेल्स आर यंग सेल्स एंड आर इनएक्टिव डिवाइड। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो यंग सेल होती है और एक्टिवली डिवाइड होती है, यानी वो लगातार क्या होती है, अपने आप में छोटी होती जाती है। सो दे आर रिक्वायर्ड फूड इंटेंसिटी एंड देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरिंग फूड। तो लगातार छोटी रहती रहती है तो उसे खाने की जरूरत नहीं होती, दे डू नॉट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, और लगातार वो अपने आप को छोटा करती रहती है तो उसमें वेस्टेज भी नहीं होती, हैंस उसमें वैक्यूल की जरूरत नहीं होती। तो आपका आंसर समझ आ गया, तो क्या है कि वो लगातार क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है, इसलिए उसे फूड की
में वैक्यूल की जरूरत नहीं होती। तो आंसर है दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। तो एपिकल मेरिस्टेम में लैक ऑफ वैक्यूल क्यों होता है? क्योंकि वो लगातार क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज सेल इज द लॉन्गेस्ट, कौन सी सेल लॉन्गेस्ट सेल है, बोन सेल, नर्व सेल, स्टमक सेल और हार्ट मसल सेल। तो आपको पता ही है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नर्व सेल। नर्व सेल जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, नर्व सेल है, याद रखना। तो ऑप्शन बी नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, अमीबा एक्वायर्ड इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस टर्म्ड एज, अमीबा अपना खाना किस तरीके से लेता है, एक्सोसाइटोसिस से, एंडोसाइटोसिस से, प्लाज्मोलाइसिस से, बोथ एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो अमीबा अपना खाना कैसे लेता है, अमीबा हमेशा अपना खाना जो लेता है वो एंडोसाइटोसिस से लेता है। तो अमीबा रिक्वायर्ड इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम क्या है, एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा अपना फूड कैसे लेता है, एंडोसाइटोसिस से लेता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस इज द इंजेशन ऑफ मटेरियल बाय द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है, पहले इंजेशन करता है। इंजेशन का मतलब क्या है, फूड को अंदर लेना, फूड को सॉलो करना, ठीक है, मुंह में लेना, क्लियर हो गया। तो अमीबा आपको पता ही है कि उसका कोई स्पेसिफिक तो मुंह होता नहीं है, थ्रू आउट द बॉडी क्या करता है, वो फूड को क्या करता है, एक्वायर करता है। तो एंडोसाइटोसिस से अमीबा क्या करता है, फूड को लेता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है किचन ऑफ सेल इज, तो जो किचन ऑफ सेल है वो किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्लोरोप्लास्ट को, गॉल्गी एपरेटस को। तो बेटा ये आपको आपने सुना ही है, तो किचन ऑफ सेल किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को, क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल। किचन क्या होता है, जहाँ पे खाना बनता है। तो प्लांट में खाना कहाँ बनाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में खाना बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, याद रखना। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट हैज अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड हैव इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड हैंस, और क्यों इट इज कॉल्ड किचन ऑफ सेल। तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, याद रखना, ठीक है। तो क्लोरोफिल होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, किचन ऑफ सेल। समझ आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 11। तो किचन ऑफ सेल क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, प्लांट जो होते हैं फ्लेक्सीबल होते हैं, हम जैसे उन्हें नीचे को खींचते भी है तो एकदम से नहीं टूटते ना, आगे पीछे कहीं को भी। तो प्लांट में फ्लेक्सीबिलिटी होने का क्या कारण है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा या ठीक है क्लोरेनकाइमा, क्लियर, ठीक है। तो आंसर है इसका आपका कोलेनकाइमा, याद रखना, एक कोलेन है एक क्लोरेन है। तो कोलेन इसमें क्लोरोफिल, कोलेन में क्या है, क्लोरोफिल। तो कोलेनकाइमा इज द मैकेनिकल टिश्यू यंग डाइकोटिलेडोन स्टेम्स प्रोवाइड करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट और बेंडिंग करता है वेरियस पार्ट में। तो जो कोलेनकाइमा होता है वो प्लांट को क्या देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब उसे मजबूती देता है कि अगर उसे कोई खींचे भी किसी तरफ को प्लांट को, तो प्लांट आसानी से क्या हो जाए, बैंड हो जाए, टूटने की जगह जल्दी से टूटेगा नहीं, बैंड हो जाएगा और फिर वापस से अपनी सेम पोजिशन पे आ जाएगा। तो कौन करता है काम, कॉलन कायमा करता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो जो एक्सेलरेशन है उसको हम किससे मेजर करते हैं, तो एक्सेलरेशन को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से या ms-2, यहाँ पे स्लैश भी हो सकता है, ms-2। एक्सेलरेशन को हम किससे मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन होने के लिए। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई बॉडी मूव करती है तो मूविंग जो एबिलिटी है किसी भी बॉडी की वो काइनेटिक एनर्जी के कारण है। पर जब किसी बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होती है, जैसे हमने कोई खिलौना है उसमें चाबी भर दी, तो वो क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी हमने उसमें क्या करा, स्टोर कर दिया। या बो है, अगर हम धनुष को पीछे को खींचते हैं तीर को छोड़ने के लिए, तो हम उसमें क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं। मगर जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो जो तीर होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है द पर्सन राइडिंग मोटरसाइकिल हैज अ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन
विच गेट कन्वर्ट इन टू पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर गेटिंग टू टॉप ऑफ द ओवर ब्रिज। तो जो भी जो इसमें ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है। पहले क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसके बाद जब वो ब्रिज पे चला जाएगा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? तो अ पर्सन राइडिंग मोटर बाइक टू टॉप ऑफ द ओवर ब्रिज। इसके अलावा और में ऐसा नहीं है, जैसे पर्सन डाइविंग इनटू द पूल ऑफ वाटर फ्रॉम द बोट, तो यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन ग्लाइडिंग द एयर विद द हेल्प ऑफ पैरासूट, तो यहाँ पर भी आपको नहीं दिख रही होगी। स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द वाटर स्लाइड, तो इसमें भी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। हमने पढ़ा है प्लांटों में क्या होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी न्यूट्रिएंट पूरे हैं, ठीक है। तो टोटल प्लांट में न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, 16, जिसमें 3 होते हैं एयर, सनलाइट और वाटर, और 13 होते हैं मैक्रो और माइक्रो। टोटल कितने हैं, 16, मगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं, 13, मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। और यहाँ पे पूछे कौन से है, लार्ज क्वांटिटी वाले, तो जो लार्ज क्वांटिटी वाले न्यूट्रिएंट है वो कौन से हैं, तो वो है मैक्रोन्यूट्रेंट। मैक्रोन्यूट्रेंट की प्लांटों को ज्यादा जरूरत होती है माइक्रोन्यूट्रेंट की कंपैरिजन में। तो मैक्रोन्यूट्रेंट जो है लार्ज क्वांटिटी में, तो ऑप्शन सी, क्योंकि पोटेशियम क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रेंट है, और उसके अलावा आयरन, जिंक और मैग्नीज, ये क्या है, ये एक माइक्रोन्यूट्रेंट है। तो पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर है, कि पोटेशियम क्या है, लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को उसकी जरूरत होती है और ये एक मैक्रोन्यूट्रेंट है। नेक्स्ट है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री विच अमंग, ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन 16 से, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे असर्शन देखो 17 का, व्हेन हीट एनर्जी सप्लाई टू द सॉलिड इट स्टार्ट मेल्टिंग। तो इसमें असर्शन में बोला है जब हीट एनर्जी सप्लाई होती है सॉलिड में, तो जो सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। रीजन बोला है सॉलिड पार्टिकल टेक अप हीट एंड हेल्प इन मेल्टिंग, और रीजन में दिया है सॉलिड पार्टिकल क्या करते हैं, वो हीट को लेते हैं और मेल्ट हो जाते हैं। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन ए है, व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाई टू द सॉलिड पार्टिकल टेक अप द हीट एनर्जी सप्लाई देम एंड वाइब्रेट मोर रैपिडली एज दे अब्सॉर्ब काइनेटिक एनर्जी। इवेंचुअली द ऑर्गेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टिकल विद इन द सॉलिड स्ट्रक्चर बिगिन टू ब्रेक डाउन एंड सॉलिड स्टार्ट मेल्ट। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी जो है वो आपका इसका क्या है, और इसका रीजन भी करेक्ट है और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज एपिडर्मिस सेल। रीजन है स्टोमेटा आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव। तो पहले बोला गार्ड सेल जो होती है वो स्पेशलाइज होती है एपिडर्मिस सेल में, और रीजन में दिया स्टोमेटा आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टोमेटा जो होते हैं प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ लीव में प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट है। दे आर एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ स्टोमेटा, और जो स्टोमेटा है उसका काम क्या होता है, वो गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होता है, यानी प्लांट में O2 और CO2। प्लांट में क्या करता है, प्लांट बाहर से तो क्या लेता है, CO2 लेता है और O2 को क्या करता है, रिलीज करता है। तो O2 CO2 एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा आर मिनटपोर, यानी छोटी छोटे से छेद होते हैं जो प्लांट की जो लीव्स होते हैं उसके बैक साइड में होते हैं। तो इसका ऑप्शन में यह है ऑप्शन बी, यानी इसमें आपका असर्शन तो ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, मगर एक्सप्लेनेशन गलत है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इसकी गलत दी गई है। असर्शन और रीजन दोनों क्या है इसके, ट्रू है, कि ये स्पेशलाइज टिश्यू है एपिडर्मिस सेल के लिए स्टोमेटा, और जो है लीव्स में मिलता है। क्वेश्चन 19, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर टू इट्स इनर्शिया एंड सब्सटेंस कंटेन्ड बाय द बॉडी। तो 19 है, इसका ऑप्शन है डी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है जरूरी नहीं है कि वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद मेजर ऑफ इनर्शिया एंड सब्सटेंस कंटेन्ड बाय इट्स बॉडी, तो इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, तो इसका ऑप्शन डी है, असर्शन रीजन दोनों ही इसके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ वीड्स अफेक्ट द क्रॉप फील्ड। जो वीड्स होते हैं, वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना,
जिनको हम उगाते नहीं है वो अपने आप उग जाते हैं, तो अनवांटेड प्लांट्स हैं। तो प्रेजेंस ऑफ वीड्स अफेक्ट द क्रॉप फील्ड, जो वीड्स होते हैं क्या वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वीड्स कम्पीट फॉर फूड स्पेस एंड लाइट, और वीड्स जो होते हैं वो जिसको हम जिस पेड़ को हम उगाना चाहते हैं क्या वो उसका खाना, उसकी जगह और उसकी लाइट को खा जाते हैं, यानी उसको क्या वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट होते हैं और कल्टिवेटेड फील्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल भी दे रखा है, जेंथियम, वीड टेक अप न्यूट्रिशन, रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप और देयरफॉर रिमूवल इज नेसेसरी। तो इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, इसका जो असर्शन है वो भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बड़े क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, कंपार्टमेंट प्रिपरेशन है, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें। मैथ्स और साइंस की क्लास 9th और 11th की कंपार्टमेंट की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको चैनल पे मिलेगी। चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें।